हमें पता होना चाहिए हमारा क्लियर गोल क्या है एंड हमें पता होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्किल सेट सीखना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये शॉर्ट टर्म गोल्स रखें ताकि अंदर से ये फील हो कि प्रोग्रेस हो रही है। सो ये बुक मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे अगर तुम करते हुए चलोगे ना तो तुम्हारे पास अमेजिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस, अमेजिंग सेट ऑफ वीडियोस, अमेजिंग सेट ऑफ नोट्स निकल कर आएंगे जो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें रिवाइज करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस हटा दो अपने आसपास। मेरे फ़ोन पे कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है जिससे मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैं अपने ब्राउज़र में ऐसे एक्सटेंशन डाल के रखता हूँ कि फेसबुक खुले ही नहीं, राइट। लाइक क्या क्या चीज़ें नहीं खोलनी है मुझे पता है। एक एपिसोड देखते हैं फिर एक और देखने का मन करता है, फिर एक और देखने का मन करता है और टाइम खराब होता है। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। एंड यार आज की वीडियो मुझे लगता है कि अगर तुम ढंग से देखोगे ना तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर जो भी एफर्ट मार रहे हो उससे आउटपुट भी निकल रहा है, राइट। सो मैंने फॉर एग्जांपल पर्सनली अपनी लाइफ में दो बार मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहा हूँ जब मैंने बहुत सारी मेहनत की है। एंड मुझे लगता है इन टिप्स को मैंने काफी हद तक बहुत अच्छे से फॉलो किया है उन दोनों फेजेस के अंदर। पहला फेज था जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, दूसरा फेज है जब मैं कोडिंग निंजाज में काम कर रहा हूँ अपनी ये एक लाइक ट्राइंग टू बिल्ड दिस कंपनी जिसमें हम हजारों लाखों बच्चों को हेल्प कर रहे हैं जॉब्स के अंदर उनको सही जगह पहुंचाने के लिए, राइट। सो बहुत ज़रूरी है हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। एंड मैं तुम्हें 7 चीज़ें बताऊंगा जिसका अगर तुम ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है तुम्हें जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पढ़ाई के स्पेसिफिक हैं बट ओवरऑल लाइफ में भी आई थिंक एप्लीकेबल है, बट कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो कि पढ़ाई स्पेसिफिक होंगे। सो एंड तक रुको, 7 पॉइंट सुनो एंड प्लीज़ इनका ध्यान रखो अगर तुम चाहते हो जो भी तुम मेहनत कर रहे हो उससे तुम्हें एक्चुअली फल मिले, एक्चुअली उससे सक्सेस हमें अचीव, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टॉक अबाउट इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम क्लियरली डिफाइन करें हमारे गोल्स के। इन द सेंस अगर मान लो तुम कॉलेज में हो और तुम्हें बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो बहुत जरूरी है कि तुम्हें क्लियरली डिफाइन हो बहुत अच्छी जॉब का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। फैंग में ही जाना है, लार्ज प्रोडक्ट कंपनी में ही जाना है, स्टार्टअप्स में भी जाने का ऑप्शन है, क्योंकि ये डिफाइन करेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, तुम्हें क्या क्या स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। सो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। हमें पता होना चाहिए हमारा क्लियर गोल क्या है एंड हमें पता होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्किल सेट सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं JEE की तैयारी कर रहा था तो मुझे पता था भाई कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है और उसको अच्छे से सीखना है, दैट इज व्हाट आई नीड टू डू। सिमिलरली अब अगर तुम सोचोगे कि मेरे को स्टार्टअप में जाना है तो यार कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, या तुम चाहते हो दोनों ऑप्शन ओपन रहने चाहिए तो अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। सो इन चीज़ों का बहुत जरूरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि हमें क्लियर गोल डिफाइन करें, आज बैठ के सोचें कि हमें क्या अचीव करना है और हम अकॉर्डिंगली तैयारी करें, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। सेकेंड पॉइंट, राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये तो पता कर लिया कि क्या क्या करना है, गोल क्या है, बट यार रास्ता क्या है, पाथ क्या है। क्या मैं खुद से पढ़ूंगा, मैं कोई बुक्स पढ़ूंगा, मैं कोई कोर्स का यूज़ करूंगा, ये इवैल्यूएशन डे वन पे करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर तुम अभी डे वन पे इवैल्यूएशन नहीं करोगे ना, पता है क्या होगा, तुम 15 दिन कुछ करोगे फिर तुम बोलोगे अरे नहीं ये तो अच्छा नहीं है, फिर तुम कुछ और ट्राई करोगे फिर बोलोगे ये अच्छा नहीं है, फिर कुछ और ट्राई करोगे एंड फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और तैयारी छोड़ दोगे। बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसा होता है। तो हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही रास्ता है जो हमें ये स्किल सेट देगा, राइट। क्या ऐसा पाथ, क्या ऐसा कंपेनियन होगा हमारा, कौन हमें ये साथ देगा कि हमारे डाउट्स भी सॉल्व हो पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं अच्छे से और हम इवेंचुअली जो भी हम जहां पहुंचना चाहते हैं जितना सीखना चाहते हैं हम वो कर पा रहे हैं, राइट। सो वो एक्सट्रीमली जरूरी है। ये दो चीजें जब क्लियर हो जाती है ना तो उसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम क्वेश्चन नहीं करो खुद को। अब एक बार डिसाइड कर लिया ना कि ये रास्ता है, अगर अच्छे से पहले दिमाग लगाया है तो अब उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स कम टू डे इन डे आउट हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टेल यू इज यार ये जो होता है ना कि मेरे को DS एल्गो में बहुत अच्छा होना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट भी सीखना है, मेरे को 2 प्रोजेक्ट करने हैं, मेरे को एक इंटर्नशिप करनी है, भाई सोच की टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इतने बड़े गोल्स जो हमारे हैं ऑब्वियसली हमें अचीव करने हैं, ऑब्वियसली वो हमारा गोल वही रखेंगे हम इवेंचुअली, बट शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत जरूरी है। वीकली गोल्स बनाओ, डिसाइड करो इस वीक में मेरे को क्या अचीव करना है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स रखें और उसके अराउंड हमारे वीकली प्लान्स होने चाहिए कि हम कैसे अचीव करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल एक वीक का नहीं है तो दो वीक का ठीक है यार, तीन वीक का, चार वीक का रख लो, बट फिर उसको डिवाइड करो कि अगर मेरे को चार वीक में इतना करना है तो पहले वीक में कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, चौथे में कितना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये शॉर्ट टर्म गोल्स रखें ताकि अंदर से ये फील हो कि प्रोग्रेस हो रही है। वो प्रोग्रेस अंदर से फील आनी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन तभी मिलती है, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट मुझे लगता है मोस्टली तुम लोग नहीं करते होगे, प्लीज़ उसको अच्छे से करो, एक टाइम टेबल अपने लिए फिक्स करो कि मुझे किस टाइम क्या सीखना है, मुझे किस टाइम पे क्या करना है। अदरवाइज पता है क्या होता है, जो चीज़ें तुम्हें मज़ा नहीं आती ना वो तुम कभी नहीं करोगे। अगर तुम हर बार बैठोगे पढ़ने के लिए और तुम डिसाइड करोगे क्या करने का मन कर रहा है तो कुछ चीज़ें कभी तुम नहीं करोगे बिकॉज तुम्हें उसमें मज़ा नहीं आ रहा। एंड मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब तुम करना शुरू करते हो तो मज़ा आना शुरू होता है, ठीक है। सो हमें अकॉर्डिंगली मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अगर टाइम टेबल कुछ बना लेंगे कि भाई मेरे को इस वीक में, पहले में भी बैठ के मैंने डिसाइड कर लिया मेरा चार हफ्ते का गोल क्या है, इसमें से मुझे इस हफ्ते में क्या करना है, अब मैं डिसाइड ये भी कर रहा हूँ कि मेरे को दिन में क्या करना है, कितने घंटे क्या करना है, कितने घंटे क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करता था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, लिटरली मेरा शेड्यूल ऐसा वाला होता था, मुझे पता होता था मैं कितने बजे उठूँगा, मुझे आधा घंटा लगेगा उठने के बाद पढ़ाई शुरू करने में, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को इसके बाद क्या करना है, राइट। लाइक मैं तीन घंटे पढ़ूंगा तो उसके बाद मैं कितनी देर कुछ और करूँगा, ये सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर होता था, ठीक है। सो अब हमने वीकली गोल सेट कर लिए, हमने सब बात कर ली, अब मैं डेली उस पर बात करना चाहता हूँ। देखो बेसिकली एक चीज़ है जो हम मोस्टली लोग नहीं करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास आज के दिन के क्या टारगेट्स हैं, हमें आज का टाइम टेबल क्या होने वाला है, ओवरऑल थोड़ा इस पे ऊपर काम करो। रोज डिसाइड मत करो, वीकली डिसाइड करो एटलीस्ट कि मेरे को इस वीक में मेरा टाइम टेबल कैसा होने वाला है, मैं कब पढ़ूंगा, मैं फिर कुछ और करना है तो मैं कब करूंगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, हमें वीकली, हमें मतलब हमारा टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एक एपिसोड देखते हैं फिर एक और देखने का मन करता है, फिर एक और देखने का मन करता है और टाइम खराब हो जाता है। बट अगर एक सॉलिड टाइम टेबल होगा, क्लियर होगा कि इतना ही टाइम है हमारे पास, तो हम अपने लिए एंटरटेनमेंट का टाइम भी रखेंगे बट हमारा पढ़ाई का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मतलब जब मैं जेईई की तैयारी करता था मैं बहुत ही पेनफुली, मतलब एकदम रिजिड होके टाइम टेबल फॉलो करता था, मुझे पता होता था मैं कितने बजे उठूंगा, मैं कितने बजे पढ़ना शुरू करूंगा, फिर मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आधा घंटा टीवी देखूंगा, फिर मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं लंच करूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं क्या करूंगा, फिर मैं शाम को क्रिकेट भी खेलूंगा, सब मेरा प्लान्ड होता था और मैं दिन में 12-13 घंटे तो पढ़ लेता था, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत है, बट मैं उस टाइम में पढ़ लेता था। अब मेरा टाइम टेबल डिफरेंट तरीके से फिक्स्ड है, मुझे पता है कि मेरे को वीक में किस दिन किस पार्ट पे काम करना है, किस दिन मुझे YouTube पे काम करना है, किस दिन मुझे स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे काम करना है, लाइक मुझे वो क्लैरिटी है अपने अंदर, वो बहुत ज़रूरी होती है टू मेक श्योर कि तुम सब चीज़ों पे अच्छे से टाइम लगा रहे हो। अगर हर बार बैठ के डिसाइड करोगे कि अभी मैं क्या करूँ, क्या मन कर रहा है, तो यार फिर तो फेसबुक करने का या फिर गेम खेलने का या फिर बेसिकली कुछ ना कुछ एपिसोड देखने का ही मन करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम टेबल ढंग से मेंटेन करें और उसके ऊपर काम करें, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ाई स्पेसिफिक बातें करते हैं। देखो एक चीज बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा रिवीजन को अपने प्लान में मेंटेन करके रखें कि यार अगर तुमने डिसाइड किया दिन में तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है तो यार 1 घंटा रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। अगर तुमने डिफाइन किया कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ना है तो 1.5 घंटा 2 घंटा रिविजन के लिए रख लो। एंड उसके अराउंड भी क्लियर प्लान होना चाहिए कि इस वीक में मैं ये चीजें नहीं करूंगा और ये चीजें मैं रिवाइज करूंगा, राइट। मैं बता रहा हूँ तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ये तो मैं प्लानिंग ही करता रह जाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा, बट वो प्लानिंग में जो टाइम जाएगा ना वो तुम्हें इतना टाइम सेव करेगा, इतना टाइम सेव करेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो प्लीज वर्क ऑन दिस। क्या क्या बोला है मैंने अभी तक तुम्हें, हमें लॉन्ग टर्म गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, हमें वहां तक जाना कैसे है, क्या बुक्स, क्या कहीं से हमें कोई कोर्स लेना है, क्या करना है, वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए कि यार मैंने बोल तो दिया कि मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है बट मैं पहले डिसाइड कर रहा हूँ इस 1 महीने में तो HTML CSS मोड़ दूंगा एकदम,
उसको बहुत अच्छे से करना है। सो वो क्लैरिटी हमें होनी चाहिए ताकि हमारे मंथली या दो वीक के कुछ गोल्स हो। एक बार हमने वो बना लिया तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अब तुम टाइम टेबल अपना थोड़ा डेली फिक्स कर लो ताकि डिसिप्लिन आ पाए लाइफ में, वरना नहीं हो पाता है ढंग से। वो बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि यार रिविजन को अपने प्लान में थोड़ा लेकर चलो। इसका मतलब क्या है? एक बार तुमने फ्रंट एंड कर लिया, HTML CSS कर लिया, अब जब जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम उसको देते रहो, कुछ कुछ प्रैक्टिस करते रहो, या फिर DS algo खत्म हो चुका है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप टाइम देते रहो। दिन में अगर एक घंटा भी डिसाइड कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। DS algo तुम्हारा रिवाइज होता रहेगा, तुम्हें इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। सो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, रिविजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नाउ एक चीज और जो बहुत ज्यादा जरूरी है इज बुक मार्किंग और कीपिंग नोट्स ऑफ क्या चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था तुमसे, नहीं हो रहा था, तुमने सोल्यूशन देख लिया, या प्लीज मेक श्योर तुम उसको बुक मार्क करो। सोल्यूशन देख लिया ना, एक महीने बाद दोबारा देखो तो हो जाना चाहिए। याद नहीं करना है हमें, बट हमें समझ में अगर आ गया था तो हम एक महीने बाद उसको खुद से कोड कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन हम सोच पाएंगे। सो ये बुक मार्किंग बहुत जरूरी होती है। ऐसे अगर तुम करते हुए चलोगे ना तो तुम्हारे पास अमेजिंग सेट ऑफ क्वेश्चन, अमेजिंग सेट ऑफ वीडियोज, अमेजिंग सेट ऑफ नोट्स निकल कर आएंगे जो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें रिवाइज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमसे पहली बार नहीं हुई थी या पहली बार करने में स्ट्रगल हुआ था और उसको तुम अब ध्यान से करना चाहते हो। सो ये एक लिस्ट तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसके ऊपर अच्छे से काम करो। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं जिंदगी में हमेशा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो अपने आसपास से। जब तुम्हें पता है कि मेरे को इस टाइम पे काम करना है, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, मैं बता रहा हूं सबसे मुश्किल काम है, बट अगर एक बार तुम इस पे सक्सीड हो गए ना तुम्हारी बहुत जिंदगी में टाइम बच जाएगा। आई एम रियली हैप्पी कि जब मैं JEE की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता था, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता था, मतलब मेरे आसपास नहीं होता था, और मेरा टाइम खराब नहीं होता था, मेरे पास इंटरनेट नहीं होता था। अभी वो स्ट्रगल है, मैं बैठता हूँ काम करने के लिए, कितनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। सो आई हैव मेड श्योर कि मेरे फोन पे कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है जिससे मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैं अपने ब्राउजर में ऐसे एक्सटेंशन डाल के रखता हूँ कि फेसबुक खुले ही नहीं, राइट, लाइक क्या क्या चीज़ें नहीं खोल दी है मुझे पता है, क्योंकि हमारा ना डिफॉल्ट हो चुका है, एक मिनट के लिए फ्री टाइम मिला तो फेसबुक खोल लेते हैं, अब वो 15 मिनट चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, हम यूट्यूब खोल लेते हैं पता ही नहीं चलता कब टाइम चला जाता है। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट जब हमारा फोकस टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, उस टाइम पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे और उस टाइम पे हम ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं यूज करेंगे। बहुत वियर्ड साउंड करता है बट प्लीज एक्सटेंशंस डालो कि भाई इस दौरान नहीं खुलेगा यूट्यूब, नहीं खुलेगा फेसबुक, नहीं खुलेगा कुछ भी और जो मुझे पता है मेरा टाइम खराब करेगा, ठीक है। अपने फोन को दूर रखो उस दौरान ताकि कोई कॉल नहीं कर पाए, कोई व्हाट्सएप नहीं आए, कुछ नहीं हो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जोन में होते हैं कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और एक डिस्ट्रैक्शन आती है और मैं बता रहा हूँ वो 5 मिनट लेके जाती है बट 15 मिनट फिर लग जाते हैं उसके बाद वापस उस जोन में आने में, बहुत टाइम खराब होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम अपना ये फ्लो मेंटेन कर पाए और हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, ठीक है। सही में बता रहा हूँ, अगर हमने ये चीज़ों को तुमने फॉलो कर लिया ना, तुमने एक टाइम टेबल सेट कर लिया कि तुम उसको फॉलो करोगे, तुम ये डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो, तुमने क्लियर कर लिया अपनी लाइफ में कि मेरे को इस वीक में क्या अचीव करना है, नेक्स्ट वीक में क्या करना है, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें, फोड़ दोगे तुम एकदम और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें अचीव कर पाओगे जो भी तुम अचीव करना चाहते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों का शेयर करो एंड वीडियो को लाइक तो कर ही दो, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में डालो एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ आंसर देम। ओके, थैंक यू।